तो दो सेमीफाइनलिस्ट हमें मिल चुके हैं मेरे भाई द 100 के, जो कि है साउदर्न ब्रेव्स और बर्मिंघम फीनिक्स। अब मैं बोलूँगा जरूर साउदर्न ब्रेव्स यहाँ पे लकी हो गया मेरे भाई, क्योंकि लास्ट मैच ये हारा ही हुआ था वेल्स से, नो रिजल्ट्स हुआ, एक एक पॉइंट शेयर हो गया, ठीक है। तो ये क्वालिफाई हो गया नेट रन रेट की वजह से, ठीक है, काफ़ी हाई था इनका। अब बोला जा रहा है यहाँ पर बर्मिंघम फीनिक्स जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाते हुए यहाँ पर हराई मैनचेस्टर ओरिजिनल्स को, 30 बॉल का मैच हुआ, 42 रन का टारगेट था, आराम से चेस कर लिया बर्मिंघम फीनिक्स ने। तो अब कौन सी टीम जीतेगी मेरे भाई, ओवल वेट कर रही है फाइनल में, इन दोनों में से जो जीतेगी उससे फाइनल खेलने के लिए। तो अगर बात किया जाए साउदर्न का और बर्मिंघम का, तो दोनों में अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो बेहतर टीम हमेशा से बर्मिंघम फीनिक्स दिख रही है, क्योंकि ये अगर बोला जाए तो वन मैन शो ही है, क्योंकि जेम्स विंस जिस जिस मैच में चले हैं बैटिंग से वो मैच टीम जीती है, या फिर पोलार्ड, उसके अलावा कोई भी बैटिंग डिपार्टमेंट से किक ऑफ नहीं किया इधर। इनका फॉर्म अच्छा है, डकेट का फॉर्म अच्छा है, अलोंग विद जेमी स्मिथ एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। और उससे पहले अगर बात किया जाए लास्ट मैच जहां मैच फंस सकता था तो वहां पे लिविंग स्टोन और उनके साथ एक और प्लेयर ने बेथल ने अच्छा बैटिंग करके दिखाया। तो ओवरऑल ये टीम बहुत ज़बरदस्त, यहां पे इनका बॉलिंग भी डिपार्टमेंट भी अच्छा लग रहा है, इनका ही बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग है ऑन द पेपर्स। बस अगर बोला जाए लास्ट मैच में तो काफ़ी ज़्यादा 181 रन के करीब करीब ये लोग पिटवा दिए, जोफ्रा आर्चर के बावजूद, जॉर्डन के बावजूद और टाइमल मिल्स के बावजूद। बाकी इनका जो है सऊदी और एडम मिल, न्यूजीलैंड डिपार्टमेंट पूरा एकदम पकड़ के रखा है, और शॉन एबॉट भी पीछे से किक ऑफ कर रहे हैं, तो बहुत तगड़ा इनका बॉलिंग डिपार्टमेंट है। ओवरऑल बर्मिंघम फीनिक्स इज द फेवरेट टू विन दिस मैच एंड विल क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स इफ दे विंस, ठीक है। देखिए 58% लेकिन मार्केट बोल रही है 60% के करीब करीब कि साउदर्न जीतेगी, और 42% यहाँ पे बर्मिंघम फीनिक्स को ही फेवरेट माना जा रहा है 40% के करीब। तो साउदर्न के साथ मार्केट ज़्यादा है, ठीक है। बाकी मैच अगर बोला जाए तो किंग्सटन ओवल में खेला जाएगा, तो ये दोनों में से किसी का होम ग्राउंड नहीं है, ये न्यूट्रल वेन्यू है मेरे भाई। एक ही मैच है 10:30 बजे 17 तारीख को, तो जुड़ जाइएगा मेरे भाई, तगड़ा काम चला है, मैं क्या बोलूँ। अभी अगर ये एलिमिनेटर है तो ये 33वां मैच है, क्योंकि टोटल 34 मैच है, तो 32 मैच में से मेरे भाई लगातार में 30 मैच एकदम पास ही रहा है, सिर्फ एक आधा मैच दो मैच हुआ होगा जो फेल हुआ होगा, और बैक टू बैक 21/21 मैच, लास्ट 21 मैच से एक भी मैच फेल नहीं है। तो आप सोचिए क्या लेवल काम का चला है ये, और कर्नाटका प्रीमियर लीग या KSCA महाराजा ट्रॉफी बोली उसमें भी दो मैच आज कराए, दोनों पास करवाए, तो तगड़ा काम चल रहा है मैच सेशन दोनों का। जुड़िए मेरे भाई, जो बोलने जैसे बोलने वैसे ही फॉलो करते रहिएगा, प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द डे आपके पॉकेट में होने वाला है, बुकी को बोल बोल के बर्बाद किया है और ऐसे ही चलेगा आगे भी। अभी जो लीग चल रहा है अभी तो फिलहाल चलेगा KSCA, तो उसमें हम लोग काम करेंगे, उसके बाद CPL आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को मेरे भाई। सबसे पहले यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाइए स्कैन करके, और 7428525767 मैच और सेशन के लिए इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स बताइए, वहाँ क्लिक करोगे खुल जाएगा, आपको वहाँ पे लिंक टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा, क्लिक करिए ज्वाइन हो जाइए, मैच और सेशन का फायदा उठाइए, डेमो के लिए जुड़े रहिए, पहले काम देखिए किस लेवल का काम चला है, ऐसे ही फालतू फेंकने से कोई मतलब नहीं। आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके हर एक मैच का अपडेट स्क्रीनशॉट डाला हुआ है मेरे भाई, तो जुड़िए, कमाइए, लॉस रिकवर करिए और बूम बूम करेंगे साथ में मेरे भाई, ठीक है। देखिए 19 डिग्री टेम्परेचर चांस हो रहे नहीं है, अच्छी बात है, ह्यूमिडिटी 66% की है, लेकिन कोई लेना देना नहीं है। बाकी किंग्सटन ओवल का बात किया जाए तो यहाँ पे अच्छा बैटिंग सरफेस थोड़ा बहुत देखने को मिला है, और यहाँ पे बॉलर्स के लिए भी मदद है, बॉल स्विंग स्वीम सब होता है। और इस साल 100 में ये देखने को मिला है कि इनिशियली फर्स्ट 25 ओवर में ज़्यादातर तो सेशन नॉट ही गया है स्विंग की वजह से, और इसीलिए जेमी एंडरसन का यहाँ पे स्टेटमेंट भी आया कि फर्स्ट 25 बॉल में तो इतना स्विंग हो रहा है कि मैं भी खेल सकता हूँ 100, ठीक है। 73 बार मैचेस हुआ है, 31 बार फर्स्ट बैट, 40 बार सेकंड बैट, दो मैच टाइड है, एवरेज 164 यानी एवरेज स्कोरिंग दिखा रहा है, T20 पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। 252 सरे का हाईएस्ट है, ग्लैम ऑर्गन का 44 पे 10, लोएस्ट है 150 से नीचे 25 बार, 152, 116, 18 बार, 172, 189, 9 बार लगा है, और एवोव 190 21 बार लगा है। अब देखिए लास्ट यहाँ पे अगर 3 मैचेस का बात कर लेते हैं 100 में, तो 96 पे ही लंदन ऑल आउट हो गई, और इनका होम ग्राउंड था, ये होम ग्राउंड पे इतना घटिया खेली कि मत पूछिए। अगर बैटिंग ही कोलैप्स था, बैटिंग ख़राब किया, नहीं तो अगर
सरफेस खराब होता तो एक विकेट से नहीं जीती ओवल इनविंसिबल, आराम से जीती 10 में से 5 विकेट पेसर, 5 विकेट स्पिनर, 1 विकेट फिर जो गिरा वो पेसर्स ने निकाला। फिर 118 यहाँ पे साउदर्न मारी, उसको भी ओवल चेस कर गई, 6 विकेट पेसर, 2 विकेट स्पिनर, फिर 3 विकेट पेसर, 1 विकेट स्पिनर। उससे पहले देखिए यहाँ पे नॉर्दर्न 145 मारी और ओवल को वहाँ पे हराई। तो ये यहाँ पे सरफेस तो है कि अगर आप 145 40 बहुत अच्छा स्कोर दिख रहा है अभी तो फिलहाल तो मतलब फर्स्ट बैट करने पे अगर आप इतना स्कोर खड़ा कर दे, एक तो यहाँ पे बहुत बड़ा मैच है तो प्रेशर भी रहेगा, 140 का टारगेट यहाँ पे पार टोटल माना जा सकता है। 145 यहाँ पे नॉर्दर्न मारी, फिर वहाँ पे वो भी डिफेंड हो गया 126 पे, ओवल इनविंसिबल को यहाँ पे हरा रखी है, 5 में से 4 विकेट पेसर्स, 1 विकेट स्पिनर्स, 4 विकेट पेसर्स 4 विकेट स्पिनर्स, 23 विकेट पेसर्स के पास है, स्पिनर्स के पास 13 विकेट है, तो पेसर्स ज़्यादा विकेट निकाला, वही सीम वही स्विंग यहाँ पे अवेलेबल देखने को मिलेगा। और हाँ, इसमें बॉलर्स को ज़्यादा मदद है ना कि बैट्समैन को, ये याद रखिएगा। हेड टू हेड में 4 मैचेस हुआ है, 3 यहाँ पे देखिए साउदर्न जीती है, 1 जीती है बर्मिंगम, तो साउदर्न का डोमिनेशन इस टीम के ऊपर रहा है मेरे भाई हमेशा से। अब देखिए साउदर्न का लास्ट मैच नो रिजल्ट, विन लॉस विन विन, तो ये 3 मैच जीती है लास्ट 5 में से, और यहाँ पे लगातार में 4 जीत के आ रही है बर्मिंगम फिनिक्स, और एक मैच बहुत पहले हारी थी, उसके बाद ये विनिंग मोमेंटम पाली, डकेट के आने के बाद तो अलग ही टीम देखने को मिली है। देखिए 30-60, 102-140, ये ऑन एन एवरेज लास्ट 10 मैच का सेशन से 25 बॉल 50-75 और 100 बॉल का, ये दोनों तो ठीक ही लग रहा है मुझे, लेकिन यहाँ पे जो है ये बहुत ज़्यादा 118 भी जैसे तैसे पहुँची थी साउदर्न, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा सेशंस जो है ऊपर जाए 150-150 एडवांस लंबी तो नोट कर सकते, वो बेहतरीन ऑप्शन होने वाला है। अब यहाँ पे साउदर्न की तरफ से प्लेइंग 11 का बात है, जेम्स विन, जेम्स कोल्स, ल्यूस डिप्लो, एलेक्स डेविस, लॉरी एवेंस, कारन पोलार्ड, क्रिस जॉर्डन, जोफ्रा आर्चर, अकील हुसैन, डैनी ब्रिक्स और ताइमल मिल्स। इधर देखा जाएगा तो जेमी स्मिथ, बेन डकेट, लियम लिविंगस्टोन, डैन माउजली, मोइन अली, जैकब बेथल, क्रिस वुड, बेनी होवेल, शॉन एबॉट, एडम मिलने और टीम साउदी। तो दोनों ही टीम में मैं अगर कंपेयर करूँ तो इनका बैटिंग ज़्यादा अच्छा लग रहा है और बॉलिंग तो दोनों ही का अच्छा है, इवन इनसे अच्छा बॉलिंग प्रदर्शन इन लोगों ने करके दिया है, चाहे टीम साउदी हो या फिर एडम मिलने, रन कम दिया, विकेट ज़्यादा निकाला है। जेम्स विन देखिए 19-28, 52-73, 90, तो हर मैच में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, लास्ट मैच में नहीं किया तो टीम बहुत नो रिजल्ट्स हो गया, बात ही हटाइए। ल्यूस डिप्लो 1-5-4, 21-9, कोई फॉर्म में ही नहीं दिखेगा, देखिए 0-10, 26-26-14, 0-1-2, 0-0, जेम्स कोल्स, इधर देखा जाए एलेक्स 0-28-5, 16-30, थोड़ा बहुत यही कंट्रीब्यूट किया है। लॉरी इवेंस 2-4-2, 25-5, कारन पोलार्ड 45-18, 17-38, 37, 0-1-0, 2-0, पोलार्ड ने हाँ एक मैच उड़ाया था आपको पता ही है, लास्ट में 5 बॉल में 5 छक्का मार के विरासित खान को, उसमें भी अपनी टीम 7 पैसा का घोड़ा उड़वा के दिया हमने। 0-3-1-2-3, अकील हुसैन 111-03, डैनी ब्रिक्स 0-2-3-0-3, जोफ्रा आर्चर 1-2-0-1-1, डैनी ब्रिक्स अच्छा स्पिनर डिपार्टमेंट में बॉलिंग कर सकता है। ताइमल मिस 2-0-1-4-2, बाकी जेमी स्मिथ का बात किया देख सकते हैं यहाँ पे 14-0-13-9-45, 2 छक्का यहाँ पे मैच निकलवा के आज दिया, ठीक है। लिविंगस्टोन 30-4-11-30-4, 000-21, मोइन अली 13-60-37-5-4, बॉलिंग से कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। बेन डकेट 22-30-54-43-92, आज भी अच्छा परफॉर्म किया। डैन मॉज़ली 000-11-39-01-0-30-0, बॉलिंग बढ़िया कर सकते हैं, एक लगाना भी उड़ा चुके हैं ये। जैकब बेथल देखिए हाँ 38-0-0-46-46-0-2-0-1-0, ये लास्ट मैच में ये नहीं रुकता तो मैच हार गया था वहाँ पे, अगर एक विकेट भी जाता तो मैच पलट जाता फिर, ठीक है। क्रिस वुड 1-2-1-2-2, क्रिस वुड बहुत अच्छा बॉलर मिल चुका है इनको। शॉन एबॉट DNV 11, DNV 3-4-1-0-4-0-1, आज भी ठीक ठाक बॉलिंग किया शॉन एबॉट ने। आप देख सकते हैं टीम सऊदी 1-5-0-3-0 और बेनी होवेल 6-0-4-24-24-00-111, एडम मिलने 2-1-1-3-0, एडम मिलने भी बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहा है। बाकी ड्यूलेन टीम आप देख सकते हैं एलेक्स डेविस के साथ, जेम्स विंस, लिविंगस्टोन, क्रिस जॉर्डन, बेनी होवेल, डैन माउजली अलॉन्ग विद टीम साउदी, एडम मिलने, शॉन एपॉट, अकील हुसैन और जोफ्रा आर्चर। कैप्टन यहाँ पे ये और वाइस कैप्टन साउदी के साथ जा सकते हैं, या फिर एडम मिलने भी अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं और इनके साथ भी आप जा सकते हैं। बाकी ड्यूलेन के अपडेटेड टीम के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाकर ज्वाइन करिए, नेक्स्ट लेवल टीम फ्री में आ रहा है, 7-4-2-8-5-2-5-7-6-7 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैच और सीजन के लिए, मैच और सीजन का भी टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन करिए। डेमो के लिए चलिए, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट।